हेलो हेलो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया। तो मैंने ये गाड़ी में ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं बहुत ज्यादा झल्ली बनी हुई हूँ क्योंकि आज मैंने पूरा रेस्ट मोड अपना ऑन रखा हुआ था। आज खाया पिया और सो गई, देन उठी, देन पानी पुनी पिया, मतलब वार्म वाटर ग्रीन टी पी, देन अभी सुस्ती में आ रही थी। और अभी एक दिन एकदम से सडनली जतिन का कॉल आया कि लेने आ जा। लेने क्यों आ जा? क्योंकि वो एक हफ्ते बाद, दिवाली के शायद दो दिन बाद वो चला गया था, कोई मंदिर है शिव जी का वहां पे, एंड वहां से कोई यात्रा निकलनी थी जो हरिद्वार में जाके खत्म होनी थी शिव जी की, इसलिए वो वहां पे गया हुआ था और वो अभी वापस आ रहा है, तो मैं उसे लेने जा रही हूँ। भाई आजकल लोगों को सच्ची कुछ हो गया है, मतलब बीच रास्ते में अभी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ था अंकल और एकदम मस्ती में, तो यहीं पे कहीं पे जतिन खड़ा था, मुझे अभी उसका कॉल आया। पर और यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन, ओ भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब वो मुझे दिखेगा कहाँ पे, और यहाँ पे तो पूरा जाम ही लगा हुआ है। कहाँ चला गया ये सिल्वर सिटी? ओ भाई इतनी आगे पैदल ही चला गया, तुम मेरे को काहे को बुलाया, घर पैदल ही आ जाता। ये देखो इन्हें देखो, कोई होश खबर ही नहीं, आराम से चलो ये बीच में, यहाँ तो गाय ही पड़ गया यार पूरा। ओके यहीं पे कहीं पे होगा वो, बस से आया है क्योंकि वो कहाँ है जतिन 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 बस की टिकट जैसे हो गया, जतिन 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 कहाँ है यार, रश कितना हो रखा भाई, इतनी जनता में कहाँ ढूंढूं उसको। अच्छा यही है, खोलो खोलो खोलो, जल्दी आओ बस। हेलो हेलो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया। यहाँ तो इतने बंदे पहचान भी नहीं आ रहे कुछ भी, मैं तो देख रही, मैं क्या पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ है, लोग सारे बीच में घुस ही जा रहे हैं। कैसा रहा? बढ़िया। चलो अभी थका रहा है, थोड़ा इसको रिलैक्स मोड पे आने देते हैं, उसके बाद सब कुछ पूछेंगे। अभी मैं जा रही हूँ घर, चाबी नहीं है, बेल मार दे, मम्मी खोलेगी दरवाजा। ये हैंडल अभी तक नहीं लगा, हमारा कारपेंटर नहीं है घर में, मतलब यहाँ पे, दिवाली से गया वो अभी तक नहीं आया। तो इतने दिनों बाद घर आया है यात्रा करके, तो मम्मी तेल चोती हुई मम्मी, और देख बस निकला ही नहीं है अभी, चो दो फिर। अब आपको दिख भी रहा है? जय माता दी, जय माता, जय गुरु जी, जय गुरु जी, पधारो मारे देश। अभी फ्रेश होके मुझे सबसे पहले वीडियोस दिखाओ ताकि मैं सब कुछ देखूं और मैं इनको भी दिखाऊंगी। मैं तो आज पूरा सुस्त मोड पे, आज मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, आज मैं ऐसी ही पड़ी हूँ बिल्कुल, क्योंकि दिल नहीं है यार। कभी कभी मन होता है ना आपका तैयार होने का, तो मैं तो सुबह नहा धो के फ्रेश होके बस ऐसी सिंपल ऐसी घूम रही हूँ सुबह से। बाय द वे वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, आज तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड पर हूँ। बता फिर क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्शन किए अलग अलग जगहों पे। किस चीज की यात्रा थी? यात्रा छड़ी यात्रा थी, उत्तराखंड के सारे तीर्थ स्थलों पे, ऐतिहासिक मंदिरों पे, प्राचीन मंदिरों पे, वो छड़ी होते हुए एक महीने बाद हरिद्वार पहुंची। ओके, छड़ी छड़ी जैसे कपाट बंद हो जाते हैं तो उनका स्वरूप नीचे आ जाता है, जैसे अच्छा जैसे केदारनाथ का कपाट बंद होते हैं, बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो 6 महीने वहां बर्फ से ढक जाता है, तो पूजा नहीं होती वहां पे, तो फिर नीचे आ जाती है उनकी छड़ी, मतलब उनका स्वरूप नीचे आ जाता है। अच्छा, फिर वहीं पे उनकी पूजा होती है, फिर जब अगले साल केदारनाथ बद्रीनाथ खुलेगा तब फिर वहां वापस महादेव कपाट खुलेंगे मार्च महीने में, गर्मियों में, मार्च अप्रैल में, अप्रैल में। तो इसकी एंडिंग हरिद्वार में करी है? एंडिंग हरिद्वार में करी थी, हरिद्वार में उसकी पूजा करी। हाँ हरिद्वार में, कहाँ मतलब फिर क्या? गंगा में उसको करके फिर माया देवी मंदिर हरिद्वार में उसको स्थापित कर दिया। तो अब वो फिर हर साल ये हुआ होता है? हाँ, अब अगले साल जब यात्रा शुरू होनी है, कपाट खुलने हैं, तो यहाँ से छड़ी जाएगी केदारनाथ बद्रीनाथ, वहाँ पे फिर उनको स्थापित करेंगे, फिर वहाँ पूजा होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये होता है। ओह, तो तूने वीडियोस और फोटोज लिए? बहुत सारे साधु संत महात्मा आए हुए थे। बहुत सारे थे? बहुत सारे थे।
तो फिर तो तू बहुत ज्यादा लकी है फिर तो ये बहुत ज्यादा लकी है, इतने साधु संत और इतनी बड़ी यात्रा में शामिल होने को मिला। एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम था ना ये तेरा? वैसे तो उसने बहुत सारी यात्राएं करी हैं। श्रीखंड कहाँ कहाँ पे गया मेरे को बता, मेरे को तो याद भी नहीं रहता। श्रीखंड कैलाश, कैलाश हाँ, मणिमहेश कैलाश, अमरनाथ जी, चूड़धार, कावड़ यात्रा गौमुख से, गौमुख से और भी तो मतलब इन्हीं जगह पे ये दो दो तीन तीन बारी तो गया ही है तू, है ना? तो लग चार बार श्रीखंड, चार बार श्रीखंड। और इसी चक्कर में वैसे बोलती हूँ कि व्लॉग कर, लोग देखना चाहते हैं ये सब चीजें, क्योंकि मोस्टली लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते जहां जहां पे ये मतलब महादेव की कृपा से पहुंच गया है, बट ये जनाब करते ही नहीं है। तो अभी से मेरे को वीडियोस दिखाई है वो इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है ना, मैं अभी इस क्लिप के बाद वो सारे क्लिप्स डालने वाली हूँ जो जो इसके पास हैं, और आप भी इंजॉय करो, आप भी इस चीज का आनंद उठाओ, क्योंकि मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखा और ये बहुत ही सही है। सो इंजॉय। मंदिरों में सभी जगह छड़ी की पूजा हुई, उसके बाद जो है घाट में हल्की पौड़ी पूजा होने के बाद हम लोग यहाँ से 9 तारीख को उत्तराखंड के सभी धामों में, सभी तीर्थों में, सभी मठ मंदिरों में प्रस्थान किया था। ये लगभग एक महीने की छड़ी यात्रा है और 9 तारीख को यहाँ से प्रवेश होने के बाद आज 2 तारीख को हम लोग यहाँ कांगड़ी प्रेमगिरी धाम में पहुँच चुके हैं, और आज यहाँ पर इस छड़ी का अंतिम पड़ाव जो अंतिम समापन दिवस है। इन्होंने ब्रह्मचार्य तो ही मतलब बचपन तो ही ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारी रहे। हाँ, ये हुण इस टाइम जूना खाड़ा दे अध्यक्ष है सबसे बड़े पद ते। अच्छा अच्छा, निशे वो नहीं है मेरे ख्याल, डिबेट में नहीं है। हर हर महादेव। पहली तेल हो गया, सुबह काम वाली आएगी वो साफ करेगी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट दूध लेने, भैया को चाय पीनी है। एक तो ये ढेर टोली है, आजकल दबता ही नहीं है, चार बड़ी दबाओ तो दबता है। दूध लेने जा रही हूँ, क्या मैंने सारा दूध खात्मा कर दिया। ये चला अपना जहाज भाई, मुझे भी ले जा। बोरा 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 बोरा। तो आई होप आपको क्लिप्स अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि महापुरुषों के दर्शन ही करने का एक क्या मतलब एक्सपीरियंस होता है, और कितना ब्लेस्ड होता है बंदा वो जो मतलब सिर्फ महापुरुषों के दर्शन करता है, और ये तो इतने दिन वहाँ पे रह के आया है। एंड हम भी ब्लेस्ड हैं, क्योंकि भैया चलो घर में तो हमारे इंसान है, मतलब बंदा हमारे घर का है जो यात्रा करके आया है, और वो खुद ही कितना लकी है जो ये सब चीज़ें उससे भगवान शिव ले रहे हैं सेवा। नहीं, किस बात का ट्रैफिक होने लग गया हर जगह, यहाँ ट्रैफिक, यहाँ पूरा जैम ही जैम। अपने को लेना है दूध, मेरे का मैं बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे का बेकार दूध देने लगा है आजकल। अपन लेंगे अमूल शक्ति, और हमें शक्ति आएगी पी के। सो ये लाइटिंग तो दिवाली के बाद से मैंने हटाई नहीं है, इनफैक्ट मैंने नीचे लाइटें लगाई नहीं थी, लेकिन मैंने कुछ 2-5-6 दिन पहले मतलब 2-4-5 दिन पहले मैंने मम्मी वाली बालकनी से हटा के वो वाली लाइट्स मैंने यहाँ रेलिंग पे नीचे लगा दी थी, लेकिन मेरी मेड ने क्या किया, इसकी जो लाइटिंग की वायर थी वो तोड़ दी, इस वजह से ये जल नहीं रही है। तो अब 8 नवंबर को गुरपुरब आ रहा है, तो मैं न्यू लाइट्स लेके आऊँगी और मैं यहाँ पे न्यू लाइटिंग लगाऊंगी, ताकि गुरु नानक देव जी के बर्थडे तक भी घर एकदम चमचम लाइटिंग करे। मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली लाइट है, और मैंने सोचा है कि मैं इस लाइटों को उतारूंगी ही नहीं पूरे साल, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरे जो ग्रीन और ये वार्म वाइट का कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं ये इस वॉल पे भी कुछ डेकोरेशन के लिए अमेजोन से पक्का ऑर्डर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको सजाने वाली हूँ बहुत अच्छे से। तो आई होप अभी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड जो भी कुछ पसंद आया होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई डोंट नो मेरे फ़ोन को क्या हो गया है, मेरा फ़ोन ना 2-3 बारी फोकस उठा रहा है, मतलब ये मेरा 3rd take है, एंड पता नहीं क्या हो गया मेरे फ़ोन को, इसकी थोड़ी सेटिंग्स मेरे को लग रहा है मुझे एप्पल स्टोर में जाकर दिखानी पड़ेगी। तो आई होप आपके व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड जो भी कुछ पसंद आया होगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम श्रेया_mahi96। टिल देन बी हैप्पी, बी वाइज एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। बाय बाय, शब खैर, बट
डू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको आगे हो सके जितना भी है इस ब्लॉग को, मतलब इस चैनल को फैला दो ताकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्दी बड़ी हो जाए और आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कुछ आने वाला है. एंड आई प्रॉमिस अब पक्का आएगा 200%. अब कोई लारेबाजी नहीं, पक्का आएगा. बाय बाय.